वोट की बारी आती थी, चुनाव की बारी आती थी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता था। लेकिन जब चुनाव और इलेक्शन खत्म हो जाते थे उसके बाद हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं बचता था। भाई साहब, ज़मीनें मिलना, क्वार्टर मिलना, ये कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जो हैं वो इससे बहुत बड़े हैं। हमें डिस्प्लेस पर्सन कहा जाता है। हम कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं हैं, हम मिसप्लेस्ड हैं, हम कहीं गुम हो गए। आज जो लोग कह रहे हैं कि ये पैसा अपने आप आ गया, उनको इसकी कहानी का पता नहीं है। जो हमने मेंटल ट्रामा सहन किया है उसकी कीमत देने की किसी सरकार की औकात नहीं है। हमें पूरा 25 लाख रुपए चाहिए, आप केंद्र सरकार से बात करो। अगर नहीं देती केंद्र सरकार, हम सड़कों पे आने के लिए तैयार। इतना मारा कि 6 महीने तक तो हम सीधे लेट ही नहीं पाए। उसके बाद 3 दिन तक जेल में रखा जा। कुछ लोग कहने लगे कि दूसरी किस्त आ गई, तीसरी किस्त आ गई। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार बिल्कुल सोई हुई। यहाँ तक कि कई लोग मुझे छोड़कर चले गए कि कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली नारेबाजी करनी है हमने। लोग पूछते हैं क्या होगा, मैंने कहा होगा ये कि ये हम ले के रहेंगे। 7 मरले के मकान में 4-4, 5-5 भाई रहते हैं, एक एक दो दो कमरे भी उनके हिस्से में नहीं है। मुझे याद है रेयाड़ी को कोटली कॉलोनी कहा जाता था, आज कोई नाम भी नहीं लेता। जूता मुझे चुभ रहा है, मैं जानता हूँ मुझे जूता कहाँ चुभ रहा है, लेकिन मेरी बातें कौन कर रहा है जिनको मेरे बारे में कोई पता भी नहीं। लेकिन जब तक सूरज चांद इस धरती पर रहेगा, हमारी रिहैबिलिटेशन का जो चैप्टर है वो कभी क्लोज नहीं हो सकता। ये बात हम फख्र के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं, ये सिर्फ SOS इंटरनेशनल थी जिसने इस मसले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। नमस्कार, कश्मीर समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई तरह के विस्थापित समूह रहते हैं। इन्हीं में से एक विस्थापित समूह ऐसा है जो बंटवारे के बाद या जम्मू कश्मीर के विलय के बाद पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं विस्थापित लोगों की, और जब उन विस्थापित लोगों की और उनके संघर्ष की कहानी का नाम आता है तो सबसे पहले एक नाम जरूर उभर कर सामने आता है। उस नाम से तो आप सब भली भांति वाकिफ होंगे ही। वो नाम उन्हीं शख्स का है जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK से आए विस्थापित लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। विस्थापित लोगों के खाते में अब तक जो 5.5 लाख की पहली किश्त आई है उसे दिलवाने में उनकी अहम भूमिका रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चूनी जी की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कश्मीर समाचार में। सर, आज हम आपसे बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर आए लोगों के बारे में, उनके दर्द के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और अपना हक पाने की इस लड़ाई में आपके सफर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप विस्थापित लोगों का इतिहास बताएं, कैसे और कब वो यहाँ आए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये इतिहास नहीं जानते और वो कह रहे हैं कि विस्थापित लोगों को मुफ्त के 5.5 लाख दिए गए। देखें, जब हमारे लोग आए 1947 में, ख़ास तौर पे कबायलियों ने जो हमला किया जम्मू कश्मीर पर, वो पहला बकायदा जो हमला हुआ वो पहले मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले भी पुंछ के अंदर शरारतें हो रही थी, लेकिन जो फुल फ्लैज हमला उन्होंने किया वो 22 अक्टूबर 1947 को किया, और हमला इतना ज़ोरदार था कि 22 और 23 की मध्य रात्रि में मुजफ्फराबाद फाल हो गया और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। वहाँ हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा गया, औरतों की अजमत लूटी गई, जवान लड़कियों को उठाकर ले गए, और माँ बाप ने अपने हाथों से अपनी बेटियों को मारा इसलिए कि कहीं उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने उनकी इज्जत ना लुट जाए, और कई भाइयों ने अपनी बहनों को मारा, कई जो माँ थी उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि मेरी गर्दन काट दो, मैं ये जुल्म देख नहीं सकती। इतना जुल्म हमारे लोगों के साथ हुआ। सिर्फ कारण क्या था कि हम भागे नहीं, हमने कहा हम कबायलियों का मुकाबला करेंगे, अपने देश को, इस भूमि को हम बचाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है तो वो किसी और कारण से नहीं है, सिर्फ मेरे लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। अगर मेरे लोग कुर्बानियाँ ना देते, खड़े ना होते, वो अगर भाग जाते तो आज जम्मू कश्मीर का नामो निशान भी ना होता,
शायद सारा पाकिस्तान बन गया होता। जो प्लानिंग थी कबायलियों की कि हम सुबह चलेंगे और दोपहर को हम श्रीनगर सिटी में पहुंच जाएंगे और महाराजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके रात को वापस दोबारा लाहौर लौट आएंगे, उस प्लानिंग को हमने ख़राब कर दिया। मेरे हिंदू और सिख निहत थे, उनके सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए और उन्होंने उनके एडवांस को रोका और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। यही कारण था कि 22 अक्टूबर को वो मुजफ्फराबाद से चलकर 26 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचते हैं, 4 दिन के बाद। ये कारण क्या था कि मेरे लोग डाल की तरह आगे खड़े हो गए और अपनी जान की परवाह नहीं की। यही कारण है कि हज़ारों हमारे लोगों की हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने नाते रिश्तेदारों को उनको वहाँ मरता हुआ छोड़ा है, ज़ख्मी हालत में छोड़ा है, क्योंकि हालात ऐसे थे। पता नहीं उनकी लाश को चील कौओं ने खाया, क्या हुआ उनका, धरती खा गई, आसमान खा गया। और वो आखिर तक वो इस बात का मलाल उनको लोगों को है कि आखिर उनका हुआ क्या हमारे नाते रिश्तेदारों का। जी सर, आपने एक मुहिम चलाई उन हजारों लोगों को उनका हक दिलाने की। ऐसा क्या सोचा आपने कि एक अकेला इंसान हजारों लोगों के लिए लड़ सकता है? क्या सोचकर आप इस लड़ाई में कूदे? देखें, जब मुजफ्फराबाद फाल हो गया तो महाराजा हरी सिंह जी को पता लगा कि सिचुएशन की ग्रेविटी का, कि सिचुएशन कितनी गंभीर है और मेरे से संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा मुकाबला पाकिस्तान जैसे देश से है, हालांकि वो नया नया बना था। तो महाराजा हरी सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय के लिए भारत के साथ बात की कि मैं जम्मू कश्मीर का विलय करना चाहता हूं हिंदुस्तान में, ताकि मेरे लोग बच जाएं। और 27 अक्टूबर को उस विलय पत्र को मान भी लिया गया और हम हिंदुस्तान के नागरिक हो गए और भारत की फौजें यहां लैंड कर गई। हमने श्रीनगर खाली कराया, हमने बारामूला खाली कराया, हमने उड़ी खाली कराया, लेकिन मुजफ्फराबाद खाली क्यों नहीं कराया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में घूमता है कि कौन सी ऐसी ताकतें थी जो मुजफ्फराबाद को वापस नहीं चाहती थी। सीधी बात थी कि वो ज़्यादातर लोग नॉन कश्मीरी थे, वो पहाड़ी बोलने वाले मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे। कोई नहीं चाहता था कि नॉन कश्मीरी वापस आए, वो चाहते थे कि नॉन कश्मीरी हमसे कट जाएं। यही कारण था कि एक महीने के बाद, विलय होने के एक महीने के बाद, चले मुजफ्फराबाद पर हमला हुआ, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। ये बात समझ आ सकती है क्योंकि महाराजा की फौजें इतनी सक्षम नहीं थी कि पाकिस्तान जैसे देश का मुकाबला कर सकती। लेकिन जब भारत में विलय हो गया, उस विलय के एक महीने के बाद मीरपुर पर हमला होता है 24 नवंबर को, और वहाँ पर भी वही कहानी दोहराई जाती है जो मुजफ्फराबाद में होती है। लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जाता है, उसी तरह से लड़कियों की अजमत लूटी जाती है, उन्हें उठाकर ले जाते हैं, और वही कहानी जो बिल्कुल मुजफ्फराबाद में थी वही कहानी दोहराई गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महाराजा हरी सिंह जी ने जब विलय कर लिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हो गए, उसके बाद हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, जो वो नहीं कर सके। और मैं आपको बताऊं, आपने पूछा कि हम क्यों इस आंदोलन में कूदे हैं, चूँकि मेरा परिवार, मेरे दादाजी वहाँ मारे गए, मेरी दादी मारी गई, सारे लोगों के कोई ना कोई रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार वहाँ मरा है। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये कहानियाँ मैं घर पर सुनता था, और जब मैंने ये दर्दनाक बातें सुनी तो मुझे इस बात का, ये एक मेरे मन में एक बात उठी कि अपने लोगों के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमें लड़ना चाहिए। हालांकि मुझे याद है लोग मजाक उड़ाते थे शुरू शुरू में, ये कहते थे कि हमें किसने क्या देना है, हमें क्वार्टर मिल गए हैं, हमें ज़मीनें मिल गई हैं। मैंने उनको कहा, भाई साहब, ज़मीनें मिलना, क्वार्टर मिलना, ये कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जो हैं वो इससे बहुत बड़े हैं। आज किसी को धक्का भी दे दो तो उसकी भी सज़ा है, लेकिन आपको तो घर से निकाल दिया गया, आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी छीन ली गई, आपके नाते रिश्तेदारों को गाजर मूली की तरह काटा गया, और आप खामोश बैठे। इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। हमने लड़ाई शुरू की। जी, ये लड़ाई आपने अकेले ही लड़ी या और भी ऐसे लोग थे जो आपके साथ जुड़े इस मुहिम में? मुझे याद है कई लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े, और मैं नाम भी ले सकता हूँ कि हमारी लिस्ट में जस्टिस आरपी सेठी साहब हमारे साथी रहे। हालांकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होके आए थे, लेकिन पूरी मदद उन्होंने हमारे आंदोलन में की। सरदार सोन सिंह जी थे, रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हुए। हमारे सीनियर साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जी एस मंगल साहब, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। मैं बड़े बड़े नाम लूँगा,
और आशा यशपाल जी, बड़े बड़े लोग थे जो हमारे साथ जुड़े और थक भी गए बीच में, शायद उनको ये लगने लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि वो उम्र दराज लोग थे, जितना कर सकते थे उन्होंने किया और काफ़ी किया। लेकिन मैंने कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं इस मुद्दे को लेकर लड़ूंगा और इसके लिए आंदोलन करूंगा। सर, बहुत लंबी संघर्ष की कहानी रही आपकी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, लेकिन फिर भी आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5.5 लाख तो यूं ही आ गए, तो क्या बताना चाहेंगे आप उन लोगों को कि कितना लंबा रहा ये सफर और क्या क्या देखा आपने? आज जो लोग कह रहे हैं कि ये पैसा अपने आप आ गया, उनको इसकी कहानी का पता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो आज से नहीं चल रहा। हमने मारे खाई हैं, हमने जेलें भुगती हैं और इतना प्रताड़ित हमें किया गया कांग्रेस के ज़माने में कि आज लोग कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। भाजपा के खिलाफ हम नहीं बोलते, हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार किसी की भी हो, हमें तो अपने हक के लिए लड़ना है, इसमें किसी को तकलीफ क्या है। जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जम्मू आए, मैंने कहा आप जगती जा रहे हो कि हम चाबियाँ सौंपेंगे उन कश्मीर घाटी के विस्थापितों को जो मुट्ठी और मिश्री वाला कैंपों में रहते हैं, ताकि उनको बेहतर ज़िंदगी दें। मैंने कहा जो मेरे लोग कैंपों में रहते हैं, बड़ियाल ब्राह्मणा, सिंबल कैंप, भोर कैंप, चट्ठा, राजबाग, नौशहरा, रजौरी, जहाँ चले जाओ, आज भी 39 कैंप हैं मेरे, उनको बेहतर ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? तो हमने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की और पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया और बड़ी बर्बरता की और इतना मारा कि 6 महीने तक तो हम सीधे लेट ही नहीं पाए, और उसके बाद 3 दिन तक जेल में रखा जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वापस चले गए। हम भूले नहीं हैं उस बात को, लेकिन हमें याद है कि हमने कहा कि हम आंदोलन को और धार देंगे, जितना सरकार सख्ती करती जाएगी हम अपना आंदोलन और बढ़ाते जाएंगे। 6 नवंबर 2006 को, ये इतिहास है, कोई भी आदमी पुराना गूगल सर्च करके पढ़ ले, हमने जम्मू बंद की कॉल दी रिफ्यूजी यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर। उस समय 65-71 पश्चिमी पाकिस्तानी और POJ के रिफ्यूजीज, इन सबको मिलाकर हमने एक मोर्चा बनाया जिसका मैं अध्यक्ष था, और हमने जम्मू बंद की कॉल दी। और बड़ा मजाक उड़ाया गया, लोग कहने लगे कि रिफ्यूजियों की औकात क्या है कि वो जम्मू को बंद करा सकें, लेकिन हमने पूरे शहर में नगर नगर अपना ढिंडोरा पीटा। 1 महीने तक हमने मेहनत की और आप यकीन जाने कि जब 6 नवंबर 2006 आया, गुलाम नबी आज़ाद साहब को किसी ने ये कह रखा था आप चिंता ना करें बंद होने वाला नहीं है, लेकिन इतना हिस्टोरिकल बंद हुआ कि गांव गांव तक दुकानें बंद थी और आज़ाद के तोते उड़ गए, और उसको पता लग गया कि मुझे जो लोग मेरे आगे पीछे कोठरी घूमती है ये मुझे गलत गाइड कर रही थी और ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाकर बोला क्या चाहिए। हमने कहा चाहिए की बात नहीं है, हम कोई अपने लिए व्यक्तिगत नहीं मांग रहे, हम कहते हैं हमारे लोगों का अधिकार है। अगर आज यहाँ कश्मीर से विस्थापित, घाटी से विस्थापित आदमी के लिए आप यूनाइटेड नेशन के उस कानून के मुताबिक उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, तो मेरे लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? तो एक वाधवा कमीशन बना जिसका मैं भी नॉन ऑफिशियल मेंबर था। GD वाधवा साहब रिटायर हो चुके हैं, बड़े नेक आदमी थे, और मैं समझता हूँ कि आज जिन लोगों को पैसा मिला है इनको कहानी का पता नहीं है कि इसकी बुनियाद GD वाधवा साहब ने डाली थी। GD वाधवा साहब को हमने कहा था कि हम लोगों को 1-1 करोड़ रुपया मिले, हालांकि 1 करोड़ रुपया भी कम है, मैं कहता हूँ ये 10-10 करोड़ भी दे दें, लेकिन जो हमने मेंटल ट्रामा सहन किया है उसकी कीमत देने की किसी सरकार की औकात नहीं है, आज तक कोई दे नहीं सका। और हमने कहा चले इन लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए आप 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, इनके बच्चों को जो ड्राइवर और क्लीनर बनते हैं, जो डोमेस्टिक हेल्पर बनते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो रेड़ी फड़ी चलाते हैं, क्योंकि आज भी 80% जनता मेरी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। मैंने कहा इनको सहायता देने के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, ये जीवन की उस गाड़ी से, उस पटड़ी से नीचे उतर चुके हैं, इनको पुनः उस पटड़ी पर लाने के लिए इनकी मदद की जानी चाहिए, और ये सरकार की ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी, सरकार ड्यूटी बाउंड है, और हमने कहा ये होना चाहिए। तो वाधवा साहब ने उस समय कहा कि इनको 25-25 लाख रुपए की राहत मिले, इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, इनको जो 24 सीटें आपने फ्रीज़ की हुई हैं उसमें से कम 8 सीटें दो, चूंकि ये 1/3 लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं, जब तक इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। आज आप देखें कोटली का कोई MLA आपको नहीं मिलेगा,
आज आपको बिम्बर का एमएलए नहीं मिलेगा, आज आपको मीरपुर का एमएलए नहीं मिलेगा, आज आपको मुजफ्फराबाद का एमएलए नहीं मिलेगा, आज आपको अस्करदू का एमएलए नहीं मिलेगा, आज आपको गिलगित का एमएलए नहीं मिलेगा, आज आपको बाग या पलंदरी का एमएलए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हम दूसरों के लिए वोट कब तक डालते रहेंगे? 70 साल से हम लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए, अपने इलाके के लिए हमने कभी वोट नहीं डाला। और आप देखें, हमारे सामने मिसाल है, अगर कश्मीरी विस्थापित हुआ तो आज वो जहां मर्जी बैठा है, लेकिन उसका वोट उसकी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डाला जाता है। वो आज भी इसीलिए कश्मीरी उनके आगे पीछे घूमते हैं, कश्मीरी मुस्लिम पॉलिटिशियन, कि जनाब इनका वोट है और हमारे इलाके में पड़ता है, कहीं हम हार या जीत ना जाएं, तो उनकी वो आगे पीछे जाकर तीमारदारी करते हैं और उनसे वोट हासिल करने के लिए उनको रियायतें देते हैं। लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी इसलिए हुई कि हमें लोकल पॉपुलेशन में डाल दिया गया। या तो एक जगह बिठाते तो हम भी दिखाते हमारी ताकत क्या है, लेकिन टुकड़ों में बांटा गया, कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर। तो वो जो बुनियाद उन्होंने डाली, उसके बेस पर, क्योंकि हम जब भी भारत सरकार से कुछ मांगते थे तो भारत सरकार का एक ही स्टैंड होता था, वो कहते थे जो मर्जी ले लीजिए आपको मिलेगा, लेकिन आपके कहने से नहीं, किसी मंत्री के कहने से नहीं, किसी दूसरे आदमी के कहने से नहीं, जब तक जम्मू कश्मीर रियासत की कैबिनेट उसको कोई रेजोल्यूशन पास करके बकायदा नहीं भेजेगी, तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब हमने बात की सरकार से, 2014 में जो सरकार थी, हमने कहा वाधवा कमीशन की रिपोर्ट भी है, आप इसको कैबिनेट में पास कराइए। और वो कैबिनेट में पास हुआ अक्टूबर 2014 में, जिसमें ये कहा गया कि 25-25 लाख रुपया हर परिवार को मिले, इनके बच्चों को पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, और 8,500 नौकरियां आइडेंटिफाई की आर्मी को छोड़कर, जिसमें CISF, BSF और आपके ITBP, ये जितने बेल्ट फोर्सेस हैं एक्सक्लूडिंग आर्मी, तो इनको उनके जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं उनके बच्चों को मिले, ताकि ये लोग खड़े हो सकें और ताकि इनका कुछ हो सके। लेकिन जब ये रिकमेंडेशन जाती हैं दिल्ली जाती हैं, तो तब तक सरकार बदल गई थी, BJP की सरकार आ गई थी, मोदी जी आ गए थे। हमने कहा भाई अब आप करिए, जम्मू कश्मीर की सरकार से रिकमेंडेशन आई है और कैबिनेट से आई है, कोई हम नहीं कह रहे, कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा, पूरी मंत्रालय ने बोला है, जिनको पूरी रियासत का मैंडेट होता है। तो इन्होंने क्या किया कि बजाय, टोटल पैकेज था हमारा 9,096 करोड़ का, 9,096, अगर 9,096 करोड़ रिलीज़ हो जाता तो सबको 25-25 लाख रुपये मिल जाना था, लेकिन इन्होंने 9,096 करोड़ रिलीज़ करने के बजाय मात्र 2,000 करोड़ रुपया रिलीज़ किया। और इसलिए जब उसको कैलकुलेट किया गया तो हर परिवार को 5.5 लाख रुपया आता था, 5.5 भी नहीं आता था, 5,49,692, 308 रुपये कम आ रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वो हम देंगे, हमारे जिम्मे लगा दो, इनको राउंड फिगर में आप 5.5 लाख दे दो। लेकिन 1.5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट ने उस 308 रुपये नहीं दिए, ताकि हमें पूरा 5.5 मिलता। फिर हमने कहा मारो गोली इनको 308 रुपये को, आप हमें उतने ही दे दो जो सेंटर से आ रहे हैं, ताकि लोगों को कुछ मिले तो सही, ताकि उनको विश्वास तो हो कि सरकार अब कुछ करना चाहती है। तो वो पैसा लोगों को मिलना शुरू हुआ। सर, लोगों का ये भी कहना है कि जो हमें पहली इंस्टॉलमेंट दी गई 5.5 लाख की, उस वक्त एक एफिडेविट साइन करवाया गया जिसमें 1 टाइम सेटलमेंट लिखा गया। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 1 टाइम सेटलमेंट नहीं है, वो 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम का नाम है। और एक बात मैं बता दूं, मैं लोगों की जानकारी के लिए, जब तक इस धरती पर सूरज और चांद है, मैं तो नहीं रहूंगा, सब चले जाएंगे, नश्वर संसार है, किसने रहना है, मैंने भी जाना है, बाकियों ने भी जाना है, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक सूरज चांद इस धरती पर रहेगा, हमारी रिहैबिलिटेशन का जो चैप्टर है वो कभी क्लोज नहीं हो सकता। इसलिए क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर का जब तक फैसला नहीं हो जाता, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, जब तक हम रिस्टोर नहीं कर दिए जाते अपने घरों में, तब तक कोई माई का लाल हमें इसको फाइनल सेटलमेंट नहीं कह सकता। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमें आज तक रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, हमें डिस्प्लेस पर्सन कहा जाता है। हम कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं हैं, हम मिसप्लेस्ड हैं, हम कहीं गुम हो गए हैं। रिफ्यूजी ये क्यों नहीं देते हमें, ये कहते हैं जी रिफ्यूजी वो होता है जो विदेश की भूमि से आए। आप जिन इलाकों से आए हैं, कोटली से, बिम्बर से, मीरपुर से, बाग से, पलंदरी से, या मुजफ्फराबाद से, या अस्करदू से, या गिलगित से, ये इलाके जम्मू कश्मीर के अपने इलाके हैं,
और आप विस्थापन की वजह से आए हो, हम रिफ्यूजी उसको मानते हैं जो विदेशी भूमि से आए, तो इसलिए आपको हम रिफ्यूजी नहीं मानते। एक तरफ तो आप कहते हो हम आपको रिफ्यूजी नहीं मानते, दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है कि जो प्रॉपर्टीज आप छोड़ आए हो, आपको मैं बता दूं जो लोग पार्टीशन की वजह से आए, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जो देश के प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी थे जो देश के प्रधानमंत्री बने, इनको हमने रिफ्यूजी स्टेटस दिया और इनकी प्रॉपर्टी का लमसम एक्सचेंज दिया। जितनी प्रॉपर्टी ये पाकिस्तान में छोड़ आए उतनी प्रॉपर्टी इनको हिंदुस्तान में मिल गई, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भारत सरकार का स्टैंड है कि हम उस इलाके को खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में पुनः वापस भेजेंगे। तो जब तक ये भाई साहब ये हो नहीं जाता, तब तक हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक एफिडेविट पे कैसे हो सकता है? वो जो मर्जी कहते रहे, उनके कहने से क्या होता है? हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अब पीछे क्या हुआ, कुछ लोग कहने लगे कि दूसरी किस्त आ गई, तीसरी किस्त आ गई। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ना तो प्रोफेशनल कॉलेज में क्या करना है, उसने एक नोटिफिकेशन निकालनी है और 12वीं के बाद मेरे बच्चे जो बेचारे ड्राइवर क्लीनर या दिहाड़ी करते हैं, उन बच्चों को अगर इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। इतनी नोटिफिकेशन वो नहीं निकाल पा रहे जिसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है। हमारे बच्चों को कोई एक पैकेज दे देते नौकरियों का, कोई नहीं दिया, और 5.5 लाख देने के बाद सरकार सो गई है। लोग पूछते हैं क्या होगा, मैंने कहा होगा ये कि ये हम ले के रहेंगे, लेकिन लेने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन करने के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठकर कोई सोचे कि मुझे मेरी जेब में कोई डाल देगा, पहले भी किसी ने नहीं डाला। मैं क्लियर कर दूं, 5.5 लाख रुपया लेने के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद बनाई गई, जिसमें कई सालों तक हमने लड़ाई लड़ी, तब जाकर यहाँ तक कि कई लोग मुझे छोड़कर चले गए कि कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली नारेबाजी करनी है हमने, लेकिन कुछ होगा नहीं। और मैं कहता हूँ, अभी आप देख लो, आज की तारीख में भी 370 चली गई, 35A चली गई, हमने भी समर्थन किया, हालांकि हम स्टेट सब्जेक्ट थे। हमने इसलिए समर्थन किया कि हम देखते थे कि कश्मीरी हमें प्रताड़ित करते हैं, हमें दबाते हैं, हमने कहा इनसे जान छूटेगी तो चलो जी समर्थन करो। लेकिन आज भी जो सरकार चल रही है रियासत के अंदर, वो पूरी तरह से कश्मीर सेंट्रिक प्रोग्राम है उनका। आज एलजी साहब हैं, वो जब से आए हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट के वहाँ हो आए, उन्होंने जगती में जाके उनका हाल भी जाना और पूरा उनको देखा। मैंने उनको कहा कभी रिहाड़ी आइए, कभी सरवाल आइए, कभी बख्शीनगर आइए जहाँ रिफ्यूजी रहते हैं, उनकी हालत देखिए। 7 मरले के मकान में 4-4, 5-5 भाई रहते हैं, एक एक दो दो कमरे भी उनके हिस्से में नहीं है। और जो ज़मीन आपने दी थी बेचारे रूरल सेटलर्स को, वो लैंड टू द टिलर एक्ट आया और आज टिलर वहाँ मालिक हो गया और वो लोग लैंडलेस हो गए। कौन सी रिहैबिलिटेशन की है? और आज 5.5 लाख की बात करते हैं, हमारे लोग भी कहीं बड़ी छलांगे लगा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये 1947 के रिफ्यूजी को मिल रहा है, आज उसके 10-10, 12-12 परिवार हैं, इससे क्या आएगा? 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया, आज 50 हज़ार से एक महीना नहीं चलता। और हम कहते हैं आप पैसा सारा वापस ले लीजिए, हमें भी आप जैसे 13 हज़ार रुपया आप कश्मीरी पंडित को देते हो, 2 हज़ार रुपये का राशन देते हो, 1 हज़ार का मिट्टी का तेल देते हो, उनको बिजली का किराया माफ़ है, उनको रहने के लिए मुफ्त मकान देते हो, ऐसी सुविधा मुझे भी दे दो, सारा कुछ वापस ले लो, क्या करना है हमने? लेकिन वहाँ क्या है कि अगर वो 20 हज़ार लोग निकल के आए, आज 80 हज़ार वो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी होती है उनको अलग परिवार मान लिया जाता है, लेकिन हमारे केस में क्या है, जो 47 में आया था आज भी उसी का नाम चल रहा है, आगे उनके जो बच्चे हैं उनका कोई पूछता नहीं है। कब भाई साहब आप हमारे साथ इंसाफ करोगे? तो मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार संजीदा होती, हालांकि ये कानूनी डॉक्यूमेंट बन चुका है, क्योंकि जब 25 लाख का पैकेज गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगने लगा कि शायद बहुत बड़ा इन्होंने कोई इलेक्शन की वजह से राज्य की सरकार ने इसको बड़ा पैकेज बना दिया। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, उस पार्लियामेंट्री कमेटी की 183rd रिपोर्ट, 183वीं रिपोर्ट जो है, आज भी कोई गूगल छान ले उसमें लिखा हुआ है, वो कमेटी जम्मू आई जिसमें सारी पार्टीज़ के एमपीज थे। और जब हम उनको अपने कैंपों में ले गए, हमने कहा सुनिए ये 25 लाख कुछ नहीं है, मजाक है। उन्होंने 30 लाख रुपया रिकमेंडेड किया और उस रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया हुआ है, आज ये लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है, हम इसको कोर्ट के जरिए भी ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर आपको पता है कि बड़ा लेंथी है, बड़ा लंबा है। मैं कहता हूं कि लोग अपने अधिकार लेने के लिए बाहर आएं,
अगर ज़रूरत पड़े सड़कों पे भी आना पड़े तो आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हिंदुस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात साफ़ कर दूँ, ये जो हम मांग रहे हैं ये ना तो कोई भीख है ना कोई खैरात है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हक है। क्योंकि जो आदमी भी कभी ज़िंदगी की गाड़ी से, आप देखें प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, लोगों की फसल ख़राब हो जाती है, सरकार उसकी मदद करती है क्योंकि सरकार का काम है। हमारे मामले में तो कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई, ये तो मैन मेड त्रासदी सी, और किसी आदमी ने जानबूझ के हमारे साथ इस तरह से साजिश की और हम लोगों को बर्बाद किया, हमारे नाते रिश्तेदारों के कत्ल कराए और हमें घरों से बाहर निकाल दिया। आज आप देखो हम जहाँ भी बैठे हैं, मुझे याद है रियाड़ी को कोटली कॉलोनी कहा जाता था, आज कोई नाम भी नहीं लेता। मुझे याद है ये कॉलोनी मीरपुर कॉलोनी कहलाई जाती थी, कोई नाम नहीं लेता। ये रेशमगढ़ चले जाओ, इसको भिम्बर कॉलोनी कहते थे, लेकिन आज रेशमगढ़ रेशमगढ़। आप नीचे चले जाओ, मुजफ्फराबाद कॉलोनी आपको गीता मंदिर के पास मिलेगी, उसके आगे पुंछी मोहल्ला था लेबॉरेटरी के पास। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समाप्त कर दी। अब ना तो कोई हम अपनी ज़ुबान बोलते हैं, कोई पुंछी नहीं बोलता, कोई कोटली की भाषा नहीं बोलता, कोई मीरपुरी नहीं बोलता, कोई मुजफ्फराबादी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि यहाँ शहर में रहकर जिस माहौल में हम जन्मे और पले हैं, वहाँ पर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे आपका मजाक उड़ाया जाएगा। क्योंकि आप आज अपने घर पे नहीं बैठे हुए, आप विस्थापन में हो, और एक विस्थापित का क्या दर्द होता है ये कौन जान सकता है। जूता मुझे चुभ रहा है, मैं जानता हूँ मुझे जूता कहाँ चुभ रहा है, लेकिन मेरी बातें कौन कर रहा है जिनको मेरे बारे में कोई पता भी नहीं है। हमने एलजी साहब से समय मांगा था मिलने के लिए, हमें समय नहीं मिला, महीने से ऊपर हो गया। फिर जब मैंने प्रेस रिलीज़ दी, मैंने कहा ये गलत हो रहा है, कोई आदमी ऐसा है जो हमें रोक रहा है। अब हमें समय मिला है, मुझे वहाँ से कॉल आई थी कि 3 अक्टूबर के बाद वो जम्मू आ रहे हैं, अब पहले वो दिल्ली हैं, फिर वो कश्मीर जाएंगे, वहाँ से 3 अक्टूबर को आएंगे, उसके बाद हमने आपका समय रखा, हम उनसे मिलेंगे और हम उनसे ये बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि हमें पूरा 25 लाख रुपया चाहिए, आप केंद्र सरकार से बात करो। अगर नहीं देती केंद्र सरकार, हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन चाहिए, जिसको हमने बड़ी लड़ाई के बाद हासिल किया, लेकिन आप नहीं दे रहे, हमें चाहिए। और तीसरा हमने कहा है हमें नौकरियों का पैकेज चाहिए, आप नहीं दे रहे, आप केंद्र सरकार से बात करें। आज कश्मीरी विस्थापित को प्रधानमंत्री योजना के तहत नौकरी मिल रही है, मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिलेगी। और फिर हमने कहा था कि पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग हैं, हम सारे पहाड़ी, चाहे कोटली से आए हैं, मीरपुर से आए हैं, पुंछ से आए हैं, लेकिन हमें ये पहाड़ी नहीं मानते, हमें पहाड़ी स्टेटस नहीं है। हालांकि हम लोग पहाड़ी हैं, हमारा क्लैन पहाड़ी है, लेकिन ये कहते हैं जी जो रजौरी में, पुंछ में, करना में, उड़ी में रहता है वो पहाड़ी है। ये मजाक है, किसी डोगरे ने भी या किसी लोकल ने भी शादी जाके रजौरी पुंछ में कर ली, वो पहाड़ी हो गया। और जो लोग हम पहाड़ी विस्थापन की वजह से जम्मू में हैं, दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, उनको आप पहाड़ी नहीं मानते। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम कोई चुप नहीं है। हमने कोशिश की है कि हर जगह हर मोर्चे पर अपने लोगों की बात हो और इनको इंसाफ मिले। सर जैसे अभी डोमिसाइल बन रहे हैं, कुछ विस्थापित लोग हैं जो बाहरी राज्यों में बैठे हैं, जो विस्थापन के बाद आए और जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में चले गए, वो यहाँ आना चाहते हैं, डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। देखो मैं एक बात बता दूं, जब डोमिसाइल का कानून बनाया तो उन लोगों को छोड़ दिया गया था। इन्होंने कहा था जो लोग जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं या नहीं हैं, उनको हम डोमिसाइल देंगे। ये बात हम फख्र के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं। ये सिर्फ SOS इंटरनेशनल थी जिसने इस मसले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। हमने एक पत्र लिखा, हमने कहा प्रधानमंत्री जी ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे लोग, आप 15 साल के रहने वाले आदमियों को यहाँ डोमिसाइल दे रहे हैं, जो 1500 साल से जिनका यहाँ निवास था उनका क्या कसूर है। आज वो विस्थापन में है, अपनी मर्जी से नहीं है, उस समय की सरकार उनको धक्का दे के बाहर ले गई थी, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए थे। उसके बाद उसका संज्ञान लिया गया और प्रधानमंत्री जी ने नोटिस लेने के बाद वो बाकायदा मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट भी आती रही, जिस जिस स्टेज पर वो जाता रहा हम अधिकारियों से भी बात करते रहे। आखिर में इसमें अमेंडमेंट हुई और ये फैसला हुआ कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी डोमिसाइल का अधिकार है, वो खुद भी ले सकते हैं, उनकी लड़कियां भी ले सकती हैं, पहले लड़कियों के लिए नहीं था, अब लड़कियों को मिल रहा है। और 5000 से ज़्यादा लोगों को मैं अब तक दिलवा चुका हूँ,
और जिस किसी को लगता है कि मेरे पास कागज नहीं है, वो हमसे संपर्क करे, सरकार से संपर्क करे। अगर सरकार के पास उनको समय लगता है, क्योंकि उनका मैनुअल रिकॉर्ड है, हमने आरटीआई में पीआरओ से 2009 में रिकॉर्ड लिया था, जिसके बकायदा 2 रुपया पर पेज के हिसाब से हमने ट्रेजरी में पैसे जमा कराए थे। उस रिकॉर्ड को लेने के बाद हमने उसको अपने खर्चे से, अपने मेंबर्स के सहयोग से हमने उसको कंप्यूटराइज कराया। आज हमारे पास सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, जहाँ किसी भी रियासत में कोई आदमी रहता है, अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज भी मुझे कई कॉल आई और उन्होंने पूछा कि भाई साहब हम ऐसे दिल्ली में आए थे, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा नाम बोलिए। हमारे लड़के जो थे, उन्होंने 2 मिनट में कंट्रोल एफ करके ढूंढा, उनके कुंभे निकल गए। और उनको हमने कहा इस समय चूँकि महामारी है, आपको सर्टिफाई कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड अपना फॉर्म भर के भेज दो, हम यहाँ से आपका रिकॉर्ड फोटोस्टैट उसके साथ लगा देंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे आना चाहिए, ये निःशुल्क सेवा है, इसमें कोई पैसा सरकार नहीं ले रही, 1 रुपये का भी शुल्क सरकार नहीं लेती। पहले रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन पूरे परिवार की हो जाएगी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, लड़की से लेके लड़के तक, सबकी रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो डोमिसाइल लेने के हकदार हो जाएंगे। वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का, उसमें लिखा होगा कि परिवार का कौन कौन आदमी ले सकता है, फिर वो इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, क्योंकि डोमिसाइल इंडिविजुअल बनता है। तो डोमिसाइल बन के उनको मेल से चला जाएगा, उनको जम्मू आने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूँ, हमारी संस्था के अलावा कोई दूसरा आदमी इसमें नहीं लड़ रहा, जो आज दावा करते, हालांकि है ही नहीं है कोई, मुझे कोई बता दे जिसने हमारी लड़ाई लड़ी हो। आज ये ठीक है कि जब माहौल बनता है तो बड़े सारे लोग आ जाते हैं मैदान में, मैं कर रहा हूँ, भाई ठीक है, जो कर रहे हैं लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। खाली इस सरकार की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे साथ कांग्रेस ने भी लगातार धोखा किया, हमारे साथ यहाँ की सरकारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सब ने धोखा किया। और वोट की बारी आती थी, चुनाव की बारी आती थी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता था, लेकिन जब चुनाव और इलेक्शन ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं बचता था। आज भी आप देख लो, अपनी पार्टी बने, उसकी पार्टी बने, फारूक की पार्टी बने, महबूबा की पार्टी बने, लेकिन बात करेंगे कश्मीरी विस्थापितों की, हमारे लोगों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लोग आज भी इनके पीछे पीछे अपने गले में जंजीर डाल के घूम रहे हैं, जैसे कोई इनके पालतू होते हैं। ये दुख होता है इस बात का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, अभी और भी बड़ा काम करना है। हमने तो ये भी कहा है कि हमें अगर आप पहाड़ी स्टेटस नहीं देते तो एक अलग से हमारे लिए बोर्ड बनाओ, जो रिफ्यूजी या डिस्प्लेस पर्सन डेवलपमेंट बोर्ड हो, जिसमें हमारी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटी जो है उसको हम बना सकें, बचा सकें, और हमारा ताकि कल्चर बच जाए, हमारी ज़ुबान बच जाए, हमारा पहनावा बच जाए। आज तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो ये बात है। दूसरा हमने कहा है कि हमारी स्काउट्स बनने चाहिए, मीरपुर स्काउट बने। मीरपुर की जब मैं बात करता हूँ, उसमें कोटली, भिम्बर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एक ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। पुंछ स्काउट बने और मुजफ्फराबाद स्काउट बने, हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं इनको उन स्काउट्स में भर्ती करके LOC पे लगाया जाए। तो इसलिए काफ़ी काम करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरी संस्था या तीसरा लोग या चौथे लोग भी अगर काम करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बात करेंगे तो हमारा मुद्दा और स्ट्रेंथन होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कोई भी सामने आता है वो कंसिस्टेंसी नहीं रखता, वो लगातार इस मुद्दे को नहीं चलाता। यहाँ इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। हम भी कर रहे हैं लगातार काम, और तब तक करते रहेंगे जब तक दम है। जब दम ख़त्म हो जाएगा, कोई दूसरा आदमी आके संभाल लेगा। ये नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे बल पे ही सारा मैंने सृष्टि को उठा रखा है, लेकिन एक बात पक्की है कि हमने मेहनत की है, लोग देखते हैं, लोग देख रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान भर में आज कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ से यहाँ हमारे दफ्तर में कॉल नहीं आती और वो बेचारे अपने रिकॉर्ड की बात नहीं करते, और हम उनको गाइड भी करते हैं, उनको तरीका भी बताते हैं। मैं समझता हूँ कि 15 जून 2021 आखिरी तारीख है हमारे डोमिसाइल के बनाने की, बाहर के लोगों के लिए 1 साल का समय दिया सरकार ने, और ये समय
लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए और ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े संघर्ष से मिला है, तो लोग जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, डोमिसाइल बनाएं, और जब डोमिसाइल बन जाएगा फिर वो अपनी कैश के कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आज उनके पास जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये प्रमाण पत्र एक तरह से बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या फिर उनको भी बाकी विस्थापित लोगों की तरह 5.5 लाख दिया जाएगा? 100% मिलेगा। भारत सरकार ने इस बात के लिए कह दिया है कि जो बाहर रहते हैं उनको भी पैसा दे दीजिए, लेकिन कुछ इन्होंने अडंगे लगाए थे कि आदमी के पास जम्मू का कोई प्रमाण पत्र हो, कोई उसने यहाँ प्लाट बेचा हो, खरीदा हो, या कभी पढ़ा हो यहाँ पर, या कभी नौकरी की हो, या कभी किराए पे रहा हो, या कभी उसने कोई बिजली का बिल भरा हो, या टेलीफोन उसके नाम हो। हमने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बंद करिए। अब जब ये डोमिसाइल बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा प्रमाण तो वो होगा, उसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए। तो इसलिए सारे लोग जो हैं वो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं लोगों को कि वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना डोमिसाइल हासिल करें, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपनी जड़ों से पुनः वो जुड़ें, वापस जुड़ें, ऐसी मेरी अपील है। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन और विस्थापित लोगों को उनका हक दिलाने की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले राजीव चूनी जी, जिनसे हमने विस्थापित लोगों के इतिहास से लेकर जनता के कई अटके मामलों पर बातचीत की। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बने रहिए कश्मीर समाचार के साथ।